हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लूप डायूरेटिक्स, उनके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, उनके यूज़ के बारे में, उनकी डोज के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में। बहुत कुछ है जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर विद लूप डायूरेटिक्स। तो जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि डायूरेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन को, यहाँ पे ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, डिक्रीज करते हैं बाय ब्लॉकिंग दी सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड सिंपोर्टर, या फिर पंप को ब्लॉक करके ये ड्रग्स अपने इफेक्ट को दिखाते हैं। तो ये इफेक्ट कैसे होता है, उसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ए वेरी शॉर्ट ब्रीफ लेक्चर। सो अब हम शुरू करते हैं अबाउट दी नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड हम हमारे जो ड्रग्स हैं लूप डायूरेटिक्स उसके बारे में समझ पाएंगे। ये तो बड़ा सिंपल सा फंडा हुआ कि अगर किसी स्टूडेंट को नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं पता है तो वो ड्रग्स भी कैसे समझेगा। तो सबसे पहले हमारी किडनी के अंदर हमें पता है दैट वी आर हैविंग 1.2 मिलियन, दैट इज नेफ्रॉन्स। तो हमने यहाँ पे एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। ये पार्ट, यस प्लीज, बोमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल PCT, देन इज द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, जो नीचे की तरफ जा रही है, दैट इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। यहाँ पे जो टर्न ले रही है ट्यूब, हमारे नेफ्रॉन की जो ट्यूब है वो टर्न ले रही है, दैट इज लूप ऑफ हेनली। और हमारी जो लूप ऑफ हेनली का पार्ट ऊपर की तरफ, यानी कि टूवर्ड्स दी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, यानी असेंडिंग से ऊपर जाना, डी फॉर डिसेंडिंग से नीचे जाना। तो यहाँ पे जैसे ही एफरेंट आर्ट्रियोल, हमारी रीनल आर्टरी की ब्रांच एफरेंट आर्ट्रियोल बोमन कैप्सूल में ब्लड लेके आती है, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी एक वीडियो है अबाउट दी हाउ द यूरिन फॉर्मेशन अकर्स, बट यहाँ पे हम बड़े शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फिल्टर होने के बाद हमारा जो फिल्ट्रेट है वो PCT से होता हुआ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, देन लूप ऑफ हेनली, और उसके बाद असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में शिफ्ट करना शुरू कर देता है फिल्ट्रेशन के बाद। यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनली के बारे में। नेफ्रॉन का वो पार्ट जो कि यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूट है वो पहुँच चुका है असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। तो यहाँ पे इस ट्यूब के आसपास सेल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे हमने समझाने के लिए आपको दो सेल्स को यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे हम इसके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल बात करेंगे, उसके बाद ही हम ये डिस्कस करेंगे हाउ द लूप डायूरेटिक ड्रग्स वर्क। तो सबसे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो जैसे ही हमारा सॉल्यूट यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में पहुँचता है, तो यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन, ल्यूमन की वाली मेम्ब्रेन जो कि ल्यूमन की तरफ है, ट्यूब की तरफ है, वहां पे लगा हुआ है, यस प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, वो है सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड पंप। सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड पंप यहां पे लगा हुआ है, जिसका मेन फंक्शन क्या है, जैसे जैसे ये सॉल्यूट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसके अंदर काफी मात्रा में क्या प्रेजेंट है जी, सोडियम, इसमें पोटाशियम, इसमें हमारा क्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो वो यहाँ पे हमारे इस टू हमारा जो सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड पंप है उसके थ्रू ये जो हमारा सोडियम पोटाशियम क्लोराइड है ये सेल के अंदर ज़्यादा मात्रा में होने के कारण, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूट, यहाँ पे ये फिल्टर जो है रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, रीअब्सॉर्ब होके ये सेल के अंदर आ जाते हैं। तो हमने देखा कि जा रहे यूरिन में से एक्स्ट्रा सोडियम पोटाशियम जो है टू क्लोराइड आयंस यहाँ पे इस पंप के थ्रू जो है रीअब्सॉर्ब कर लिए गए हैं। अब इस सेल की दूसरी मेम्ब्रेन, यहाँ पे फोकस कीजिए, हमारे जो सेल की दूसरी मेम्ब्रेन है यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा सोडियम पोटाशियम ATPase,
जो कि बॉडी के हर एक न्यूक्लियस वाले सेल के ऊपर प्रेजेंट है, हर एक न्यूक्लियस वाले सेल के ऊपर प्रेजेंट है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये टॉपिक एनक्लेक्स आरएन कनाडा ऑस्ट्रेलिया यूएसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्सेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को आप एंड तक पक्का देखें और बहुत सारी बातें जो हैं वो नोट करने वाली हैं उनको नोट कीजिए। तो यहाँ तक हमने देखा कि हमारी जो एपिकल मेम्ब्रेन है ये वाली, इसके ऊपर सोडियम पोटाशियम 2-क्लोराइड पंप जो है वो प्रेजेंट है, और दूसरी तरफ प्रेजेंट है सोडियम पोटाशियम ATPase पंप, जो कि क्या कर रहा है, 3 सोडियम को क्या कर रहा है जी, यस प्लीज, 3 सोडियम को बाहर यहां पे एक्सपेल आउट कर रहा है, फेंक रहा है, और 2 पोटाशियम को क्या कर रहा है, अंदर लेके जा रहा है, 2 पोटाशियम इन एंड 3 सोडियम आउट। ये तो आप सभी ने एक्शन पोटेंशियल में पढ़ा ही है, 3 सोडियम आउट 2 पोटाशियम इन। और यहाँ पे ये भी आपने बात नोट करनी है कि क्लोराइड को बाहर जाने के लिए, क्लोरीन को बाहर जाने के लिए यहाँ पे सेल के ऊपर एक्स्ट्रा चैनल जो है वो प्रेजेंट है। तो लगातार 3 सोडियम आउट 2 पोटाशियम इन एंड क्लोराइड जो है यहाँ पे इस स्पेस में आ रहा है, तो लगातार यहाँ पे सोडियम की अमाउंट जो है, मात्रा जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो स्पेस है हमारी, ये वाली जो स्पेस है ये काफ़ी साल्टी हो जाती है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे साल्टी हो जाएगी, और यहाँ पे PCT के ऊपर प्रेजेंट एक्वापोरिन्स जो हैं ये खुल जाते हैं, और यहाँ पे हमारे बोमन कैप्सूल से फिल्टर होके जो भी यूरिन यहाँ पे आ रहा था उसमें से वाटर जो है वो यहाँ पे एक्वापोरिन्स के थ्रू क्या हो जाता है, यहाँ पे पहुँच जाता है। स्टोरी बड़ी सिंपल है जी, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे सोडियम पोटाशियम 2-क्लोराइड पंप, जो कि कंटिन्यूअसली सोडियम को, पोटाशियम को, क्लोराइड को हमारे यूरिन में से किसमें जो है रीअब्जॉर्व कर रहा है, हमारे सेल्स में, किडनी के सेल्स में यहाँ पे अब्जॉर्व कर रहा है, और उसको यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम बार बार इकट्ठा होता जा रहा है, तो ये स्पेस हो चुकी है साल्टी, और यहाँ पे वाटर जो है वो रीअब्जॉर्व होना शुरू हो चुका है। ये था हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे हमने एक बात नोट करनी है कि जो 2 पोटाशियम अंदर आ चुका है, 2 पोटाशियम आयंस जो अंदर आए थे हमारे इस पंप के थ्रू, वो यहाँ पे इस स्पेस, इस चैनल के थ्रू वो पोटाशियम जो है वो ल्यूमन में पंप कर दिया जाता है, वो एक्स्ट्रा पोटाशियम ल्यूमन में पंप कर दिया जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इवेंट हो रही है, जो आपने यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे फिल्टर होके आ रहे सॉल्यूट में, यूरिन में हमारी जो है वो कैल्शियम भी प्रेजेंट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है, यस प्लीज़, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि यहाँ से लगातार हमारा पोटाशियम यहाँ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण आगे जाके हमारा जो कैल्शियम है वो इंट्रासेलुलर, 2 सेलों के बीच में जो स्पेस है वहाँ से ये कैल्शियम जो है पॉजिटिव चार्जेस, पोटाशियम एंड कैल्शियम एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण कैल्शियम जो है वो हमारे इंट्रासेलुलर स्पेस के थ्रू यहाँ पे आ चुका है। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, बड़ा ही दिलचस्प मोड है। एक बार नॉर्मल फिजियोलॉजी समझ आ गई आपको, तो उसके बाद आपको जो है हमारे लूप डायूरेटिक्स के बारे में समझने में कोई भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली। ये जो हमारा लेक्चर है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसका जो एंड रिजल्ट है बहुत ही फ्रूटफुल होगा आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो यहाँ पे कैल्शियम जो है वो रीअब्जॉर्ब हो चुका है, सोडियम रीअब्जॉर्ब हो चुका है, हमारा क्लोराइड जो है वो रीअब्जॉर्ब हो चुका है, और यहाँ पे पोटाशियम भी कुछ मात्रा में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, मैग्नीशियम भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली
नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंडर किसमें शिफ्ट कर जाते हैं जी, नॉर्मली ये सारे आयंस हमारे जो कटायंस हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, ये वेजा रेक्टा में, हमारी वेजा रेक्टा ऑफ द नेफ्रॉन में शिफ्ट कर जाते हैं, या फिर हम सिंपल कहेंगे कि अल्टीमेटली ब्लड का ही पार्ट बन जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ये देखा, अब हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लूप डाइयूरेटिक्स के हमारे जो मेन एक्शन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे इसी सेल की हेल्प के साथ। तो हमने देखा कि लूप डाइयूरेटिक ड्रग क्या कर रही है, लूप डाइयूरेटिक ड्रग हमारे हमारे सोडियम पोटाशियम 2-क्लोराइड पंप को क्या कर रही है जी, ब्लॉक कर देती है। ये एक इसका सबसे बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो गवर्नमेंट जॉब नॉर्सेट एग्ज़ाम में एनक्लेक्स एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। मेडिसन्स को ड्रग्स को आपने कभी भी क्रैम नहीं करना, रट्टा नहीं मारना। आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको नाम भी याद रहेंगे, आपको उनकी डोज भी याद रहेगी और पेशेंट केयर नर्सिंग कंसिड्रेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है जी, आपने ये लेक्चर जो है अपनी डायरी में पेन के साथ जो है पेंसिल के साथ डायग्राम बनाते हुए नोट कर लेना है। तो ये हमारी लूप डाइयूरेटिक्स ड्रग्स ने क्या किया, सोडियम पोटाशियम 2-क्लोराइड पंप को ब्लॉक कर दिया। तो अब क्या यहाँ पे सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा जैसे पहले हो रहा था, तो सोडियम हमारा जो है रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, पोटाशियम रीअब्जॉर्ब होगा नहीं होगा, और क्लोराइड अब्जॉर्ब होगा नहीं होगा। तो ये किस में मूव करेंगे, ये हमारे आगे मूव करेंगे। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही सोडियम की, पोटाशियम की, क्लोराइड की। ओके, तो क्या हमारा एक्स्ट्रा सोडियम यहाँ पे जा सकेगा इस स्पेस में, नहीं जा सकेगा। पोटाशियम जा सकेगा, वापस आ सकेगा, नहीं आ सकेगा, जा सकेगा। क्लोराइड यहाँ से मूव कर सकेगा, कम मात्रा में करेगा। तो यहाँ पे ये जो स्पेस है पहले हमने देखा काफ़ी साल्टी थी, अब ये स्पेस साल्टी नहीं रहेगी, जिसके कारण यहाँ पे वाटर भी जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। एक्वापोरिन से वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसके कारण ये जो सॉल्यूट है उसी सेम कंसंट्रेशन उसी सेम मात्रा में आगे मूव करेगा, यहाँ से सीधा फ्लो बाहर की तरफ हो जाएगा, यहाँ से सीधा फ्लो बाहर की तरफ हो जाएगा। इट विल फ्लश आउट द होल सॉल्यूट, और साथ में जाते जाते क्या ले जाएगा जी, ये साथ में हमारे इंपॉर्टेंट बॉडी के कटायंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड कैल्शियम मैग्नीशियम को भी साथ में लेके चला जाएगा। क्या हमारा सोडियम कैल्शियम पोटाशियम मैग्नीशियम क्लोराइड को साथ में ले जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा हाउ द लूप डाइयूरेटिक्स वर्क, दे जस्ट सिंपली ब्लॉक द सोडियम पोटाशियम 2-क्लोराइड पंप एंड दे कॉज द फ्लशिंग ऑफ द वी कैन से लूप ऑफ हेनली, वेदर इट इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली और इट इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि हमने ये जो प्रोसेस है यहाँ पे हमने ये बात भी याद रखनी है कि ये जो प्रोसेस है हमारी किडनी के 1.2 मिलियन जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं, दो किडनी में 20 लाख नेफ्रॉन्स में ये काम चल रहा है। ओ माय गॉड, तो 20 लाख में काफ़ी बड़ी मात्रा में यूरिन पास होगा, काफ़ी फ्लो हो जाएगा, क्योंकि रस्ते में जो हमारे रस्ते में असेंडिंग लूप ऑफ हेनली के रस्ते में जो भी पंप आ रहे थे वो सारे ब्लॉक हो चुके हैं। अब यहाँ पे डाई यूरेसिस होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो ड्रग है दैट इज़ लेसिक्स, ठीक है जी, लेसिक्स जो ड्रग है टॉर्सेमाइड, दे आर ब्लॉकिंग दी सोडियम पोटाशियम 2-क्लोराइड पंप। ये बातें भूलने वाली नहीं होती, रट्टा मारने वाली नहीं होती, कंसेप्ट क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ड्रग्स के नाम याद होंगे, उसी अकॉर्डिंग आपने पेशेंट की जो है अपनी कंसिड्रेशन भी आप बना सकते हो। अब आपको पता चल रहा होगा अभी क्यों हमारे जो रीनल अक्यूट रीनल फेलियर क्रोनिक रीनल फेलियर के जो पेशेंट्स हैं उनमें हमारी जो ये लूप डाइयूरेटिक्स हैं बहुत ध्यान से देनी होती हैं।
हम जिनको हाइपरटेंशन है, बीपी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, तो बीपी कैसे कम कर सकती हैं, बॉडी से फ्लूइड को बाहर कम जो है निकाल के हाइपरटेंशन के पेशेंट के अंदर बॉडी फ्लूइड को वॉल्यूम को क्या कर देंगे कम, जिससे हमारे वॉल्यूम का कम होने के बाद कार्डियक आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगी कम। आपको नहीं लगता कि ये हमारे हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है? तो इस तरह आपने देखा कि कैसे हमारे जो डाइज्यूरेटिक्स हैं दे जस्ट इनहिबिट और ब्लॉक दी रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। तो उसी के साथ यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम एंड हमारे जो सोडियम पोटाशियम है ये भी जो है साथ में फ्लश हो जाते हैं, हालांकि आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कैल्शियम जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो हाइपोकैल्सीमिया जो हमारी प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर लूप डाइज्यूरेटिक्स में होती नहीं है, यहाँ पे ये बात नोट कर लीजिए कि बेशक यहाँ पे कैल्शियम जो है वो मूव ऑन करेगा, बट वो लेटर ऑन कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे हमारा जो लूप डाइयूरेटिक्स हैं दे आर दी हीरो, दे ब्लॉक दी सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड पंप एंड कॉजेज दी फ्लशिंग ऑफ दी सोडियम पोटाशियम कैल्शियम मैग्नीशियम इन द वी कैन से यूरिन इन द यूरिन इन द कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे लेस अब्सॉर्प्शन होगी तो जिससे वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कार्डियक आउटपुट भी कम होगी। और एक बात और देखो यहाँ पे बड़ी मज़ेदार कि जिन पेशेंट्स को क्रोनिक हार्ट फेलियर है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो क्या उनकी जो मायोकार्डियम लेयर है, क्या उनकी जो भाई साहब यहाँ पे नोट देखिए, क्या उनकी जो मायोकार्डियम लेयर है, जिन पेशेंट्स को मायोकार्डियल प्रॉब्लम है, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर है, तो मायोकार्डियम उनकी लेयर जो है पंप नहीं कर पा रही, ठीक है जी। हमने क्या किया, लैसिक्स का इंजेक्शन लगाया, बॉडी में से फ्लूइड को फ्लश आउट करवाया, बॉडी में फ्लूइड कम हुआ तो हमारा जो वॉल्यूम है वो कम हुआ, पंपिंग भी कम करनी पड़ी। अब हार्ट को भी क्या मिल गया, पंप करने से यस थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, यही हमने हार्ट पेशेंट को देना था, रिलीव। तो जस्ट आईसीसीयू में ड्यूटी करते हुए डॉक्टर ने बोला है लैसिक्स लगाने को, लैसिक्स बॉडी से जो है यूरिन है वो फटाफट बाहर निकाल देती है, बड़ी ही इफेक्टिव मेडिसिन है, हाई एफिकेसी है। तो ये बातें जस्ट बोलने के लिए मत सीखा करो, उसको उसके कंसेप्ट को भी समझा करो, हाउ दीज ड्रग्स वर्क। सिंपल आधे घंटे का लेक्चर और सारी लाइफ आपकी जो है बन जाती है। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर है, हाउ द लूप ऑफ डाइयूरेटिक वर्क, वी कैन से लूप डाइयूरेटिक वर्क मोड ऑफ एक्शन। इन द नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज ड्रग्स नेम डोज एंड साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट अलॉन्ग विद एन नर्सिंग कंसिडरेशन इन द कमिंग लेक्चर। इस लेक्चर को एंड तक देखिए, साथ में नोट भी बनाइए, आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है। अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, तो ये ड्रग्स जो हैं बड़ी ही जल्दी ओरली जो है अब्जॉर्ब हो जाते हैं और लिवर और किडनी के द्वारा मेटाबोलाइज हो जाते हैं। कहाँ पे, अगर ये ड्रग लूप डाइयूरेटिक हमारा आईवी इंट्रावीनस इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं, तो ये ड्रग्स जो हैं लगभग 2 से 5 मिनट के अंदर मेटाबोलाइज कर देते हैं लिवर के द्वारा और ये अपना एक्शन दिखाना शुरू कर देते हैं। अगर हम बात करें ओरल लूप डाइयूरेटिक्स की, जैसे कि लैसिक्स टैबलेट्स, तो ये कम से कम वी कैन से 2 से लेके 40 मिनट्स अपना टाइम जो है ये लेते हैं। ये था इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। जब हम बात करते हैं ड्रग नेम के बारे में, तो मेरा ये फेवरेट ड्रग है, इसी में एक जो है रोज़ का नाम आता है भाई साहब, थोड़ा सा नर्सिंग जो मेल स्टूडेंट हैं उनका भी मन रह जाएगा, ठीक है, वो रोज़ का नाम आता है, वो है फ्यूरोज़माइड, रोज़माइड बीच में रोज़ लिखना है, उसके पास माइड, फ्यूरोज़माइड,
फिरोजेमाइड यानी कि लेसेक्स बहुत ही कॉमनली यूज्ड किए जाने वाला हमारा हॉस्पिटल सेटिंग में लूप डायूरेटिक ड्रग है। आज के बाद लेसेक्स बोलना बंद कर दो, आज के बाद बोलो डॉक्टर साहब ने बोला है लूप डायूरेटिक लेसेक्स। ऐसे फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो याद रहेगी, ऐसे रट्टा मारोगे तो बात नहीं बनेगी। डॉक्टर ने बोला है लगाने को, हमने लगा दिया, ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे फौरन के एग्जाम नहीं निकलेंगे। तो आपको फिरोजेमाइड लेसेक्स जो इसका नेम है वो याद रखना पड़ेगा। इसकी डोज है 20-80 mg पर डे, जो कि मैक्सिमम 600 mg पर डे तक जा सकती है ओरली और इंट्रामस्कुलरी। तो मैंने आपको बता दिया इसके इंडिकेशंस पहले से ही, पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेलियर और हेपेटिक डिजीज में ये कॉमनली यूज किए जाने वाला ड्रग है लेसेक्स। लेसेक्स और इसको हमने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि डे टाइम पे देना है, डे टाइम पे एडमिनिस्टर करना है, बिकॉज रात को अगर हम देंगे तो ऑब्वियस है, यहाँ पे पॉइंट है नोट करने वाला कि ये स्लीप डिस्टर्बेंस जो है वो पेशेंट को कर सकती है। तो यहाँ पे हमने साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि हार्ट पेशेंट के मामले में पोटाशियम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी हमने साथ साथ करनी है। क्लियर है जी? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? नो डाउट, नो क्वेरी, वी विल मूव ऑन। तो बात करते हैं सेकेंड ड्रग की, दैट इज टॉर्सेमाइड। टॉर्सेमाइड भी एडिमा में हाइपरटेंशन में यूज किया जाने वाला ड्रग है और इसकी जो नॉर्मल डोज है दैट इज 2.5 mg पर डे। 2.5 mg पर डे इसकी डोज है, जो कि मैक्सिमम 10 mg तक जा सकती है। मैक्सिमम 10 mg तक जो है ये जा सकती है डोज, और ये जो हमारा ड्रग है ये हाइपरटेंशन में दिया जाता है। कमिंग नेक्स्ट टू द ड्रग इज ब्यूमेटानाइड। प्लीज नोट, जो इसकी इमेज है वो नोट कर लीजिए, ब्यूमेटानाइड। ये जो ड्रग है इसके बारे में स्पेशल मैं आपकी जनरल नॉलेज को बूस्ट करते हुए, बढ़ाते हुए बताना चाहूँगा कि ये जो ड्रग है ये लेसेक्स से, फिरोजेमाइड से 40 times ज़्यादा पावरफुल है। यानी ब्यूमेटामाइड जो है, आप नाइट जो है आपने इसको देते हुए बड़ी ही नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है। तो ये ज़्यादातर पल्मोनरी एडिमा, सेरेब्रल एडिमा, कार्डिक एडिमा, हेपेटिक एडिमा के मामले में दिया जाता है, केस में दिया जाता है। सो दीज आर दी ड्रग्स दैट आर कॉमनली यूज्ड, वी कैन से एज लूप डायूरेटिक्स। तो काफ़ी जो इफेक्टिव हैं, हाई एफिकेसी है, यानी काफ़ी इफेक्टिव हैं, कारगर हैं, अब काफ़ी अच्छे रिजल्ट इनके देखने को पाए गए हैं। तो ये तो थे हमारे ड्रग्स। हाँ जी, बात करें अगर इंडिकेशंस की, लूप डायूरेटिक ड्रग्स, लेसेक्स, टॉर्सेमाइड, ये जो ड्रग्स हैं ये कहाँ पे यूज होते हैं। सो लेट्स बिगन विद हार्ट फेलियर। अगर किसी पेशेंट की मायोकार्डियम लेयर, हार्ट जो है वो कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर की तरफ जा रहा है, यानी कि द लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा, जिसके कारण यहाँ पे ब्लड जो है वो जमा रहता है और यहाँ पे जमा रहेगा तो ऑब्वियस है बैक फ्लो होगा। बैक फ्लो होगा तो ऑब्वियस है यहाँ पे हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, वो बैक फ्लो करेंगी और उसके कारण क्या होगा, लंग्स के टिश्यू में जो फ्लूइड है वो लीक आउट कर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर होते हैं एंडोथीलियल सेल्स, जिनके बीच में स्पेस जो है बहुत बहुत कम होती है। बट अगर फ्लूइड अंदर ज़्यादा मात्रा में हो जाए, बैक फ्लो हो जाए, हाइपरटेंशन प्रेशर बढ़ जाए, तो यहाँ से फ्लूइड जो है वो लीक आउट कर सकता है और सेल्स के बीच में जाके जो है इकट्ठा हो सकता है। अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस इज कॉल्ड एडिमा। तो पल्मोनरी एडिमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर के केस में। दूसरे नंबर पे बात करें दैट इज असाइटस, अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, एडिमा ऑफ पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना, दैट इज असाइटस। और थर्ड नंबर पे हमारी लेग्स में ऑब्वियस है जो ब्लड का हार्ट की तरफ वापस जाना है वो बहुत स्लो होता है। वीनस रिटर्न जो है वो वेन्स के अंदर वाल्व प्रेजेंट हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व प्रेजेंट हैं। हमारे एनाटॉमी के लेक्चर्स में आपने सीखा है कि वेन्स के अंदर सेमी ल्यूनर वाल्व प्रेजेंट हैं। अरोटा से ब्लड, यहाँ से ब्लड पंप तो बहुत फास्ट होता है बट लेग्स में वापस आने की जो स्पीड है वो कम है। अगर यहाँ पे किसी पेशेंट को का हार्ट फेलियर है,
रीनल फेलियर है, तो यहाँ पे हमारी जो डीप वेन्स हैं वहाँ पे हमारे उनके अंदर ब्लड जो है वो क्या कर जाएगा, लीक आउट कर जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे पेरिफ्रल एडिमा जो लेग्स में फोर लिम्ब्स में प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड पेरिफ्रल एडिमा देखने को मिलेगा। अब बात करें फोर्थ इंडिकेशन की, तो यहाँ पे पहले नंबर पे है हाइपरकैलीमिया। अब सभी को पता है कि इंक्रीज्ड ब्लड पोटाशियम लेवल जो है वो हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो यहाँ पे अगर पेशेंट को हाइपरकैलीमिया है उसकी बॉडी से हमने क्या फ्लश आउट करना है, क्या बाहर निकालना है ज़्यादा मात्रा में, दैट इज़ पोटाशियम। तो हमने अभी रिसेंटली मोड ऑफ एक्शन में देखा कि कैसे ये ड्रग्स फ्लश आउट कर देते हैं। इन केस ऑफ हाइपरकैलीमिया इंक्रीज्ड पोटाशियम लेवल होने पे पेशेंट को कार्डिक रिदमिया डिसरिदमिया से बचाने के लिए हमें ये जो ड्रग्स हैं लैसिक्स वगैरह जो है वो कार्डिक पेशेंट्स को दी जाती हैं, सो दैट देयर शुड बी ए बैलेंस ऑफ ब्लड पोटाशियम लेवल। देन इज लिथियम टॉक्सिसिटी, अगर पेशेंट को बायपोलर डिसऑर्डर है तो वहाँ पे हमने देखा मूड स्टेबलाइजर के तौर पे लिथियम कार्बोनेट ड्रग जो है वो ली जाती है। इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ क्योंकि मेरी खुद मास्टर डिग्री मेंटल हेल्थ नर्सिंग में है, तो यहाँ पे लिथियम कार्बोनेट लिथियम टॉक्सिसिटी लिथियम ओवरडोज जो है वो हो जाए उसको भी फ्लश आउट करने के लिए हम जो है पेशेंट को लूप डायुरेटिक्स देते हैं। ये कैसे दी जाती हैं, नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल्स जो हमारी सलीन है, नॉर्मल सलाइन है उसके अंदर ये जो ड्रग्स हैं लैसिक्स फ्रूजेमाइड टॉर्सेमाइड ये जो है एडमिनिस्टर की जाती हैं, और बड़ी ही मात्रा में ज़्यादा मात्रा में यूरिन आउटपुट जो है बढ़ने के कारण ये ड्रग्स बॉडी से कम हो जाती हैं। पॉइजनिंग के केस में भी आप नोट कर सकते हैं कि लूप डायूरेटिक ड्रग्स जो हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। यहाँ पे बात करें नेक्स्ट हमारे फोर्थ इंडिकेशन की, दैट इज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम अक्यूट रीनल फेलियर। अगर खुद हमारी किडनी ही फेल हो जाएंगी, रीनल सिस्टम ही क्लैप्स कर जाएगा, तो पोटाशियम ब्लड लेवल, हमारा कैल्शियम ब्लड लेवल, सोडियम ब्लड लेवल, क्लोराइन ब्लड लेवल, सोडियम क्लोराइड ब्लड लेवल, ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगे तो वहाँ पे भी लैसिक्स जो है वो एडमिनिस्टर की जाती है। हेपेटाइटिस लिवर सिरोसिस के मामले में, यस प्लीज़ नोट डाउन, लिवर सिरोसिस के मामले में भी जो लूप डायुरेटिक्स हैं लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, उसका फ्लूड कम करने के लिए दी जाती हैं, एडिमा कम करने के लिए, एडिमा ऑफ द लिवर, क्योंकि लिवर यहाँ पे एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन बनाता है। तो एल्ब्यूमिन जो है वो आपको पता है कि ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बना के रखती है। अगर कम एल्ब्यूमिन बनेगी प्रोटीन, किसी पेशेंट को सिरोसिस ऑफ लिवर है, लिवर डिजीज़ है, एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है, तो वहाँ पे एल्ब्यूमिन कम बनेगी तो ब्लड जो है वो ब्लड में से फ्लूड जो है वो ऊज आउट कर जाएगा, लीक कर जाएगा, एडिमा हो जाएगा, इन्फ्लामेशन, तो यहाँ पे उसको कम करने के लिए, बैलेंस जो है बनाने के लिए यहाँ पे दी जाएगी लैसिक्स। सेरेब्रल एडिमा सेम यहाँ पे जो है सेरेब्रम में जो है हमारे हेमिस्फीयर्स में अगर एडिमा प्रेजेंट है तो सेरेब्रल एडिमा को भी रिलीफ देने के लिए, और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पल्मोनरी एडिमा जो है ये और कुछ नहीं है, एल्वोलाई है लंग्स के अंदर, दो एल्वोलाई पड़ी हैं तो दो एल्वोलाई के बीच में यहाँ पे फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो क्या ये दोनों एल्वोलाई प्रॉपरली एक्सपेंड कर पाएंगी, रिलैक्स कर पाएंगी, प्रॉपर गैस एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो सभी को पता चला कि कैसे ये जो ड्रग्स हैं हमारे बॉडी में से फ्लूइड को तो कम करते ही करते हैं, साथ में सोडियम क्लोराइड को भी जो है एक्सक्रीट आउट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में जो है फ्लूइड कम होने से पेशेंट को इन मामलों में, इन इंडिकेशंस में बहुत ज़्यादा जो है एडवांटेज मिलता है। ये बात आपने नोट कर लेनी है, साथ में छोटी छोटी ऐसी डायग्राम्स बनाया करो, फार्माकोलॉजी आपके लिए फ़नी हो जाएगी, फ़नी बातों में जो है। माइंड कभी इमेजेस को नहीं भूलता, ये आपने याद रखना है, माइंड कभी इमेजेस को नहीं भूलता। फार्माकोलॉजी की बुक में डायग्राम्स भी बहुत कम होती हैं तो चार्ट बने होते हैं जो कि और भी ज़्यादा दिमाग को बुक कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने डायग्राम्स बनानी है साथ में फ़नी वाली। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स।
हाँ जी, अगर साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे बॉडी में से एकदम से ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड सोडियम एंड क्लोराइड लॉस होने के कारण क्या हो जाएगा, बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है, ऑब्वियस है, फॉल करेगा, वो कम हो जाएगा। ज़्यादा स्वेटिंग होने से, ज़्यादा यूरिन आउटपुट होने से, सोडियम क्लोराइड लॉस होने से हाइपोवॉलीमिया हो जाएगा, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द ब्लड। ब्लड का 70% जो पार्ट है दैट इज़ वाटर, ये जो हमारा वाटर पार्ट है ये कम हो जाएगा, वाटर पार्ट जो है वो कम हो जाएगा। अगर हम बात करें थर्ड मेजर लॉस की, तो यहाँ पे सोडियम जो है, हमने मोड ऑफ एक्शन में देखा, बाहर निकल रहा है, फ्लश आउट हो रहा है, तो सोडियम हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया वर्ड इसके लिए बना है दोस्तों, हाइपोनेट्रीमिया। देन पोटाशियम लॉस हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैलीमिया, सॉरी हाइपोकैलीमिया यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद कैल्शियम भी जो है एक्सपेल आउट हो रहा है, लॉस ही लॉस हो रहा है इन सभी आयंस का, कटाइंस का, यहाँ पे कैल्शियम लेवल जो है वो कम हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। देन क्लोराइड कम हो रहा है, देन हाइपो, यस, हाइपो क्लोरीमिया, क्लोरीमिया, ठीक है जी। यहाँ पे मैग्नीशियम का भी ब्लड, जो ब्लड लेवल है वो कम होगा, मैग्नीशियम का भी, हाइपो मैग्नेसीमिया, यहाँ पे हाइपो मैग्नेसीमिया। तो बड़े ही अच्छे अच्छे नाम हैं आपने याद रखने हैं, मैग्नेसीमिया, हाइपो, हाइपो का मतलब कम, तो यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। क्यों क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ पे हम कह नहीं सकते तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्यों 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 कम हो रहा है? क्योंकि मोड ऑफ एक्शन में हमने देखा जो हमारा सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड पंप बंद है और सीधा फ्लश आउट हो रहे हैं, साथ में लेके जा रहे हैं जी हमारा वाटर, वेयर एवर सोडियम गोज वाटर फॉलोज, सोडियम लव्स वाटर, वाटर लव्स सोडियम। उसके बाद हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स का ब्रह्मास्त्र, वाइवा हो, कोई भी हो, MS-1, MS-2, PPG, किसी भी चीज़ में पूछ लो, नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग सुनने के बाद एग्जामिनर को खुद जो है फिट्स पड़ने लग जाते हैं। 20 स्टूडेंट को कुछ और आता भी है, मेरे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ आता है क्योंकि वो देखते हैं मेरी रेगुलर वीडियोस और आगे भी देखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें यूरिक एसिड की, तो हमारा यूरिक एसिड जो है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारा बोमन कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल के यहाँ पे नीचे लगी हुई है जैस प्लीज PCT, PCT के आसपास यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है जो कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे यूरिक एसिड को ब्लड में से, यूरिक एसिड को ब्लड में से, ठीक है, यूरिक एसिड को ब्लड में से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, PCT में जो है एक्सक्रीट आउट करते हैं। यहाँ पे ये जो पंप है ये यूरिक एसिड को PCT में भेजते हैं, PCT के बाद ये यूरिक एसिड किस में चला जाता है जी, हमारा लूपोफेनली और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, DCD के थ्रू भी ये बाहर निकल जाता है यूरिन में। बट जो हमारे लूप डाइयूरेटिक ड्रग्स हैं लेसिक्स, वो इन्हीं पंप्स को, यूरिक एसिड के ये पंप को बंद कर देता है, जिसके कारण यूरिक एसिड ब्लड में ही प्रेजेंट रहता है और ब्लड का यूरिक एसिड लेवल जो है इनक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होगा, पेशेंट को गाउट अटैक आ सकता है, हाइपर यूरेसीमिया, इसके लिए वर्ड है हाइपर यूरेसीमिया, हाइपर यूरेसीमिया जो है यहाँ पे पेशेंट को हो सकता है लूप डायूरेटिक। खास तौर पे वो पेशेंट्स जो कंटिन्यूअसली लूप डायूरेटिक के ऊपर जो है वो उनका ट्रीटमेंट जो है चलता है, हार्ट पेशेंट, रीनल पेशेंट, ठीक है, जिनका जो है वी कैन से लिथियम कार्बोनेट थेरेपी चल रही है, तो इन पेशेंट्स के अंदर हमने नर्सिंग कंसिड्रेशन के अंडर देखना होता है कि उनका अपना इन्हीं साइड इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग कंसिड्रेशन बना सकते हैं। कितना अच्छा ब्यूटीफुल पॉइंट मैंने आपको दिया है, बीपी कम हो रहा है तो बीपी कम जो है मेंटेन करने के लिए आपने इनकी डोज चेक करनी है, फ्लूइड लॉस को मेंटेन करना है, वो सारे कटायंस को आपने मेंटेन करना है, यूरिक एसिड ब्लड लेवल आपने चेक करवाते रहना है, इनटेक आउटपुट पेशेंट कितना पानी पी रहा है, कितना नमक खा रहा है, कितना पोटेशियम डाइट ले रहा है, वो आपने मॉनिटर कर सकते हो आप। तो यहां पे काफी कुछ जो है साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट से ही निकल के सामने आ रहा है। तो यहां पे हमारा जो यूरिक एसिड है वो आपने देखा भी क्यों जो है ब्लड में ही जमा होना शुरू हो जाता है यूरिक एसिड। अब बात करते हैं सिक्स्थ हमारे साइड इफेक्ट की, वो है ऑटो टॉक्सिसिटी, ऑटो टॉक्सिसिटी। तो हमने मैंने आपके लिए स्पेशल जो है ईयर
इनर ईयर की जो अनाटॉमी के लेक्चर्स बनाए हैं उसमें मैंने आपको बताया कि साउंड वेव्स अल्टीमेटली इनर ईयर में प्रेजेंट है हेयर सेल्स। ये हेयर सेल्स एक खास तरह के फ्लूइड में जो है फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। इस फ्लूइड में भी सोडियम एंड हमारा जो पोटाशियम ब्लड लेवल है वो जो है प्रेजेंट होता है। अगर हम किसी पेशेंट को लूप डाइजेटिक्स दे रहे हैं तो यहाँ से भी जो हमारा सोडियम है वो कम होगा, पोटाशियम जो है वो कम होगा, तो ये हेयर सेल्स प्रॉपरली वाइब्रेट नहीं करेंगे। कॉकलिया में ये जो हेयर सेल्स हैं ये प्रॉपरली वाइब्रेट नहीं करेंगे, जिसके कारण जो है हमें पेशेंट के अंदर सेमी डेफनेस और लिसनिंग करने में प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेगी। बात कहाँ पे है सुनना, यानी ये काम स्टूडेंट जो है वो रट्टा मारेगा, लूप डाइजेटिक कॉजेज, सेमी डेफनेस, हियरिंग प्रॉब्लम और हियरिंग लॉस, एक रट्टा। पता उसको पूछो रात को 1:30 बजे उठा के भी, भाई ऑटोटॉक्सिसिटी क्यों, पता ही नहीं है। नर्सिंग मास्टर्स के स्टूडेंट्स को पता है व्हाई द ऑटोटॉक्सिसिटी अकर्स, बिकॉज लूप डाइजेटिक्स जो हैं वो सोडियम पोटाशियम के बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। कहाँ पे? हमारे हेयर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट फ्लूइड के अंदर, कैप्यूला फ्लूइड है ये, वहाँ पे जो है डिस्टर्ब कर देते हैं। सो दीज वर दी वी कैन से साइड इफ़ेक्ट्स। इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है जो आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, दैट इज़ हाइपरग्लाइसीमिया, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सो आपने देखना है हाइपरग्लाइसीमिया कैसे होता है। हाँ जी, अब हम देखेंगे कि कैसे जो लूप डायूरेटिक्स हैं वो इतने बदनाम हैं कि वो हाइपरग्लाइसीमिया कर देते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो कैसे करते हैं? तो हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पैनक्रियाज ऑर्गन है। पैनक्रियाज ऑर्गन के सेल्स कौन कौन से हैं? यस प्लीज़, अल्फ़ा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फ़ा, बीटा एंड डेल्टा सेल इसके अंदर प्रेजेंट है। तो सभी को पता है कि बीटा सेल जो हैं वो इंसुलिन बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है जी। बीटा सेल जो हैं वो इंसुलिन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बीटा सेल को क्या किया हुआ है, बड़ा करके हमने जो है इसके ऊपर समझना है कि लूप डाइयूरेटिक कैसे जो हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। तो जैसे ही हमारे बीटा सेल के अंदर ऊपर जो रिसेप्टर है, बीटा सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है उसके ऊपर आके इंसुलिन लगती है, इंसुलिन यहाँ पे बाइंड हो जाती है, जिसके बाद हमारे बीटा सेल के अंदर खुद उसके अंदर, भाई वो भी तो एक सेल है, बीटा सेल भी तो एक सेल है, उसको भी तो एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो इंसुलिन बनाता है। तो ग्लूकोस यहाँ पे हमारा GLUT2 ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो है यहाँ पे अंदर एंटर कर जाता है। ये जो रास्ता है इसका नाम है GLUT2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इंसुलिन बाइंड हुई और यहाँ पे GLUT2 ट्रांसपोर्टर खुला, जिसके बाद ग्लूकोस यहाँ पे अंदर चला गया। ग्लूकोस का अब क्या होगा यहाँ पे? ग्लूकोस का यहाँ पे शुरू हो जाएगा क्रैब साइकिल। मेरे को बहुत बुरा लगता है, किस किस को क्रैब साइकिल बुरा लगता है वो नीचे लिख सकता है। क्रैब साइकिल में से अल्टीमेटली निकलेगा ATP मॉलिक्यूल्स। जितने ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर करेंगे, मान लो एक पर्सन है उसने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज खा लिया, एकदम से मीठा ही मीठा खा लिया, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, ग्लूकोज अंदर काफ़ी मात्रा में आया, तो ऑब्वियस है ज़्यादा मात्रा में बीटा सेल के अंदर क्या बनेगी, ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये ATP मॉलिक्यूल्स जो हमारा बीटा सेल है उसके ऊपर वोल्टेज डिपेंडेंट पोटाशियम चैनल को क्या कर देगा, यहाँ पे बंद कर देगा। वैसे क्या होता है, एक सेल के अंदर 3 सोडियम आउट, यस प्लीज, 2 पोटाशियम इन, तो ये चैनल ही बंद हो गया हमारा। जितना ज़्यादा ATP बना, उस ATP के कारण, एनर्जी के कारण, यहाँ पे ये पोटाशियम चैनल बंद हो गया। अब पोटाशियम सेल से बाहर नहीं जा पाएगा, वैसे भी सेल के अंदर बहुत पोटाशियम होता है, तो यहाँ पे पोटाशियम इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिससे धीरे धीरे सेल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हमारे पॉजिटिविटी बढ़ने के कारण यहाँ पे कैल्शियम चैनल जो हैं वो खुल जाएंगे और कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा।
कैल्शियम सेल के अंदर जाएगा और वेसिकल्स के ऊपर बाइंड हो जाएगा। वेसिकल्स के अंदर जमा पड़ी है इंसुलिन, वेसिकल्स के अंदर जमा पड़ी है इंसुलिन, जिसको हमारी वेसिकल्स यहाँ पे किसके या हमारे सेल के बाहर लाके फेंक देती हैं, बाहर सिक्रीट कर देती हैं, और ये इंसुलिन ब्लड के अंदर चली जाती है बट हमारे जो लूप डायूरेटिक्स हैं, गेम कहाँ पे बिगड़ रही है, गेम कहाँ पे ख़राब हो रही है, हमारे जो लूप डायूरेटिक्स हैं ये सीधा सीधा ब्लड के अंदर ही पोटाशियम को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। पोटाशियम कम होगा या फिर ख़त्म हो जाएगा सेल्स के अंदर, तो क्या यहाँ पे कैल्शियम चैनल खुलेंगे, नहीं खुलेंगे। क्या कैल्शियम अंदर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। और क्या वेसिकल्स हमारी जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन तक जाके हमारी इंसुलिन को छोड़ पाएंगी, नहीं छोड़ पाएंगी। इंसुलिन नहीं होगी तो क्या ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वो यूज़ होगा, नहीं होगा। इसका लेवल क्या होगा, इनक्रीज। इसी को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो आपने देखा कि किस तरह हमारे जो लूप डायूरेटिक्स हैं ये हाइपरग्लाइसीमिया भी करते हैं। कैसे, पोटाशियम को कम करके। ये जो मैंने अभी फंडा आपको बताया है ये पूरा किसी भी इंडिया के नर्सिंग कॉलेज में नहीं आपको बताया जाएगा, ये मेरी गारंटी है कि किसी को ये नहीं पता होगा स्टूडेंट को हमारी वीडियो के देखने के बाद के अलावा कि कैसे जो लूप डायूरेटिक्स हैं वो हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं। ये सबको पता है, ब्लड यूरिन आउटपुट बढ़ाते हैं ये भी पता है, सोडियम पोटाशियम बोल देंगे वो भी पता है, बट मेरे स्टूडेंट्स को मोड ऑफ एक्शन प्लस हाउ द लूप डायूरेटिक्स कॉज हाइपरग्लाइसीमिया ये क्लियर कट प्रेजेंट उनके दिमाग में मैपिंग है, इमेज है, उनको पता है। यही मेरा रियल लर्निंग करवाने का टारगेट भी है। So now we will discuss about the another aspects related to the loop diuretics. Okay, तो आखिरकार हम अपनी इस लेक्चर के आखिरी पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में मैं आपको स्लाइड दर स्लाइड नोट्स भी साथ में देता हूँ, वो है नर्सिंग कंसिडरेशन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पेशेंट के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं स्पेशली रिलेटेड टू हार्ट, लिवर एंड बॉडीज वेट जो है उसका जो है मॉनिटर करना होता है। तो यहाँ पे अनटेक आउटपुट के ऊपर जो है हम काफ़ी फोकस करेंगे, उसके वाइटल साइंस को चेक करेंगे, बिकॉज मैंने आपको बताया जो लूप डायूरेटिक्स हैं ये पोटाशियम सोडियम के साथ जो है उसको फ्लश करते हैं और वाइटल साइंस बड़ी ही जल्दी डिस्टर्ब हो सकते हैं अगर ब्लड पोटाशियम लेवल, ब्लड सोडियम लेवल एकदम से फॉल हो जाएगा, हाइपोवॉल्यूमिया हो जाएगा। कमिंग नेक्स्ट पॉइंट इज द असेस द ब्लड प्रेशर इन बोथ लाइंग एंड स्टैंडिंग पोजिशन टू प्रिवेंट एनी कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या फिर पोस्चरल हाइपरटेंशन। तो इसके रिगार्डिंग जो है हमने कभी पेशेंट को बैठा के, लेटा के और स्टैंडिंग पोजिशन में बीपी जो है वो चेक करना है ताकि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को रूल आउट किया जा सके, हम जो उसको बचा सकें, ठीक है जी। उसके बाद हम उसको पेशेंट का जो लैब रिपोर्ट्स हैं सीबीसी है उसमें ऑब्वियस है सबसे ज़्यादा क्या चेक करेंगे, ब्लड सोडियम क्लोराइड पोटाशियम कैल्शियम लेवल, क्योंकि कैल्शियम भी मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चेक करेंगे, यानी कि उसकी सीबीसी में ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमने चेक करने होते हैं। उसके बाद हम हाइपोकैलीमिया के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, हाइपोकैलीमिया के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उसको भी चेक करेंगे, यानी कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और वीकनेस, फटीग, पॉलीयूरिया को भी यहाँ पे हमने मॉनिटर जो है करना होता है। ऑब्वियस है पॉलीयूरिया की बात आएगी, इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, तो हमने पेशेंट की जो हाइड्रेशन स्टेटस है बॉडी के अंदर 70% वाटर है उस लेवल को बना के रखना होता है ताकि पेशेंट को इन सिम्टम्स से हम जो है रिलीव प्रोवाइड कर सकें। अगर पेशेंट को फोटोसेंसिटिविटी है तो हम पेशेंट को गाइड करेंगे कि वो सनग्लासेस वगैरह फोटोसेंसिटिविटी को बचाने के लिए यूज़ कर सकता है, और अगर हियरिंग लॉस प्रेजेंट है तो उसको भी हमने पेशेंट को जो है डॉक्टर को बताना होता है कि रिपोर्ट करनी होती है कि ऑटोटॉक्सिसिटी तो नहीं कॉम्प्लिकेट कर रही, इसके अलावा और भी जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और पेशेंट को चेंज इन एनी वेट लॉस, चेंज इन एनी स्टूल, चेंज इन एनी स्वेटिंग पैटर्न, चेंज इन एनी ब्लीडिंग टाइम, BT CT के बारे में भी डॉक्टर को बताने को समझाया जाता है, बोला जाता है फैमिली मेम्बर्स को कि आपने कैसे जो है इसको टैकल करना है।
और ऑब्वियस है पेशेंट को पोटाशियम रिच डाइट, यस प्लीज पोटाशियम रिच डाइट के बारे में आपने इनबॉक्स कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन कौन से फूड आइटम्स में पोटाशियम जो है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, आपने बताना है पेशेंट को। और हेल्थ एजुकेशन में ये भी बताएंगे हम कि कैसे आपने बेड से स्लोली स्लोली राइज करना है, धीरे धीरे राइज करना है, सो दैट ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन को अवॉइड किया जा सके। और उन सभी फूड आइटम्स को, उन सभी हार्ड ड्रिंक्स को, स्पेशली अल्कोहल को अवॉइड करने के बारे में पेशेंट को टीच किया जाता है, सो दैट बॉडी का जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा मेरे स्टूडेंट्स जो भी एक्स्ट्रा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग कंसिडरेशन इनबॉक्स में बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना चाहते हैं लूप डायूरेटिक्स के बारे में, वो उनको मैं अपना जो है इन्वाइट करता हूँ, वो दिल खोल के यहाँ पे जो है कमेंट कर सकते हैं और अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, इससे सभी का फायदा होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत की, मैंने मेरी मैक्सिमम कोशिश थी कि आपको लूप डायूरेटिक्स के बारे में मैक्सिमम बता सकूं और विद इमेजेस, विद यूज ऑफ एवीएड्स। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन और शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन विद यूर क्लासमेट्स, जूनियर्स एंड सीनियर्स। दिस विल हेल्प ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।